तो दोस्तों ये है मेरे पास आरसी रिमोट कंट्रोल कार, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रिमोट से चलता है काफ़ी अच्छे तरीके से। लेकिन दोस्तों ये वाला कार जो है ये ख़राब हो चुका है, इसका जो यहाँ पर स्विच है आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर चला गया है, टूट गया है स्विच पूरी तरीके से, इसीलिए हमारा कार जो है ये ऑन नहीं हो रहा है और इसी तरह से ये ख़राब जिसकी वजह से चल नहीं पा रहा है। तो इसको हम ठीक करने वाले हैं, आप लोग भी ठीक कर सकते हो अगर आपका भी कार ख़राब हो गया तो फटाफट से इसको हम खोलते हैं। इसका रिमोट साइड में यहाँ पर रख देते हैं यहाँ पर, उसके बाद दोस्तों इसको हम जितना स्क्रू लगा हुआ है इसको सभी को हम खोल लेते हैं। दोस्तों इस तरह से इसकी कार को हमें खोल लेना है काफ़ी आसानी से अच्छे तरीके से, इसको कुछ इस तरह से इसका जो है ये कार है ये खोल लिया हमने। तो इस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर ये है इसका स्टीयरिंग, कुछ इस तरह से काम करता है बेसिकली, और ये है इसका यानी कि गियर बॉक्स जो कि कार को चलाता है, इसका इंजन कह सकते हो आप, और ये है इसका स्टीयरिंग, इस तरह से ये चलता है काम करता है बेसिकली। तो इतना इसको सिंपल है। और दोस्तों यहाँ पर इसका स्विच है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका वायर जो है यहाँ पर टूट गया है, तो आप देख रहे दोस्तों इसका स्विच जो है यहाँ पर टूट गया है, तो इसके स्विच को हम खोल लेना है, और ये वाला खराब हो चुका चूंकि तो इसको हमें निकाल लेना है यहाँ से कुछ इस तरह से। दोस्तों इसका स्विच जो है यहाँ पर टूट गया था जिसकी वजह से हमारा कार जो है ये ऑन नहीं हो रहा था, खराब हो गया था। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका स्विच पूरी तरीके से ब्रोकन एंड टूट गया है, तो हमें इसके वायर को यहाँ से डिसऑर्डर करने के बाद एक नया स्विच इसके अंदर हमें लगाना है। तो हमें इसका पुराना जो बटन लगा हुआ खराब था इसको हमें निकाल लेना है डिसऑर्डर करके। तो दोस्तों ये वाला इसका जो स्विच था ये ख़राब हो गया है, इसको मैंने निकाल दिया है। अब मैं इसके अंदर ये वाला स्विच लगाना है जो कि ये है एचडीएफसी नॉर्मल स्विच है, सॉरी ये एचडीएफसी स्विच नहीं है। दोस्तों मेरे पास है ये नॉर्मल सा स्विच, अब हम इसके अंदर इसको लगाएंगे, और यहाँ पर इसका जो डिज़ाइन बना हुआ है एक तरफ ब्लैक है एक तरफ वैसे रेड है, तो यही जगह पर हम इसको छेद करेंगे और इस वाले स्विच को फिक्स कर देंगे ताकि ये भी ब्लैक दिखे, तो इसका शो भी हो जाएगा और बटन भी लग जाएगा सही जगह पर बिल्कुल। तो इसके अंदर हमें छेद कर लेना है सोल्डर आज के साथ। तो इस तरह दोस्तों अगर हम इस यहाँ पर चिपका देंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से हमारा बटन काम करता रहेगा, तो यही पर हम इसको चिपकाना है बेसिकली। इस पर हमें पहले सुपर ग्लू चिपका लेना है काफ़ी अच्छे तरीके से। तो इस तरह दोस्तों इसको चिपका दिया हमने, इस पर सोल्डर कर देते हैं दोनों वायर पे अच्छे तरीके से मजबूती रहेगा, और इस वाले बटन से भी ज़्यादा पावर ये झेल सकता है। ये सिर्फ गाइस 3 एम्पीयर तक पावर झेलता है, ये वाला 7 एम्पीयर तक पावर को झेल सकता है, यानी कि 12 वोल्ट की बैटरी से पावर देंगे तब भी ये आसानी से इसकी पावर को झेल ले जाए। इसलिए तरीके से स्विच को हमने चिपका दिया है इसके अंदर, अब इस पर सोल्डर कर लेते हैं इसके जो यहाँ पर ये दोनों वायर है इस पर सोल्डर कर लेते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बटन को सिंपली लगा दिया है इस तरफ से, यहाँ पर हम दबाएंगे तो यहाँ पर ये ऑन हो जाएगा, और इस तरह से हमारा सर्किट पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इतना गाइस इसके अंदर कनेक्शन करना था जो काफ़ी इजी था, कोई भी कर सकता है इसका बटन जब खराब है तब। अब गाइस इसका हम एक बार डाउनलोड टेस्ट करेंगे उसके बाद आपको दिखाते हैं इसको चलाने के बाद। इसके यहाँ पर हम बटन को दबा देते हैं सिंपली यहाँ पर, अब ये ऑन हो चुका है, अब यहाँ पर टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं ये कार हमारा भाग रहा है और चल रहा है काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। कुछ इस तरह से इसका स्टीयरिंग काम कर रहा है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। इस तरह से दोस्तों इसका स्टीयरिंग जो है काम कर रहा है, तो हमें इसको फिक्स कर देना वैसे ही जैसा था इस पहले, क्योंकि इसका बटन अच्छे तरीके से रिपेयर हो चुका है, तो इसको हमें बंद कर देना है इसके बटन को। यहाँ पर स्विच बंद कर दिया, यहाँ पर इसको हम पैक कर देते हैं जैसा ये पहले था।
आरसी कार बनके तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैंने स्विच को लगा दिया है, इस वाले स्विच को ख़राब हुआ था तो इसलिए मैंने इसकी जगह पर यहाँ पर इसको लगाया है। काफ़ी अच्छे तरीके से ये भी काम करेगा, तो इसको हम ऑन करते हैं, फिर देखना आप लोग। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसको ऑन कर दिया है। अब यहाँ पर इस कार को हम टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखते हैं, यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, इसका स्टीयरिंग भी काम कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह से फाइनली हमारा ये कार जो है बनकर तैयार हो चुका है काफ़ी अच्छे तरीके से। आप लोग भी इस तरह से, अगर आपके पास कार है ख़राब हो गया है उसका बटन, तो आप लोग भी ठीक कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके। हम मिलते हैं इस तरह किसी ने वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।